बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड का डी पार्ट बता रही हूँ। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है तो आप देख लीजिए। तो थर्ड का डी पार्ट, तो जैसा कि इसमें ये दे रखा था और हमें प्रॉपर्टी लगा के करना था, ये इसका पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें अप्लाई करनी थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3845 ऐसे लिखेंगे इंटू 5, 782 प्लस 769 एज इट इज़। तो ये 25 है ना, इसको ब्रेक कर लेंगे आप। इसको ब्रेक करने का मतलब है 5 इंटू 5 लिखेंगे 25 को, फिर इसको एज इट इज़। फिर ये भी ऐसे उतार लेंगे, ये भी, ये भी। फिर आपको क्या करना है, 769 इंटू 5 इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख लेना है, और ये जो बाकी के नंबर्स हैं वो पीछे यहाँ पे लिख लेने हैं आपने, ठीक है। इसको और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। फिर आगे ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ऐसे उतार लेना है, ये भी ऐसे लिखना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 3845। देखो मैंने यहाँ पे एरो भी लगा रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई 5 इसके साथ आपको लिखना है, और फिर 218 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। फिर आप क्या करोगे, देखो इसमें से ये कॉमन निकालना है, ये वाला जो स्टेप कैसे आया। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारा मतलब जो है इसमें सेकंड पार्ट है। अब इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये निकाल लेंगे आप, 3845 इंटू 5, इसमें से ये बाहर आ गया और इसमें से भी ये बाहर आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 782 प्लस का साइन आ जाएगा, और आपका यहाँ पे रह जाता है 218, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर इनको एज इट इज़ उतारा, दोनों को प्लस करोगे तो 1000 आ गया। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई दिया मैंने, तो 19,225 मल्टीप्लाई 1000, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेना है। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आई थी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th कैसे करना है। स्टडी द पैटर्न जो मैंने बताया था वीडियो में, कुछ इसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको इसको दोबारा बताती हूँ, ध्यान से देख लें। स्टडी द पैटर्न, तो देखो इसमें मैंने ये समझाया था आपको कि जैसा कि कुछ पैटर्न दे रखा है यहाँ पे, उसको हमने अच्छे से स्टडी करना है, और आगे की नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमें खुद लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे देखो पहले 1 है, मल्टीप्लाई 8 तो सभी में है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, फिर 1 2 3, मतलब एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इस वाली लाइन में अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 यहाँ तक है तो 6 आना चाहिए। 6 के बाद अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, 7। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 है तो सभी में मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे, और यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, तो इसका मतलब 5 के बाद यहाँ पे +6 आएगा, फिर +7 आएगा, ऐसे लिख लिया। फिर ये 9 है, ये 9 8 है, इसमें देखो एक एक नंबर डिक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है, 9 9 8, यहाँ पे 9 8 7, ठीक है, 7 के बाद एक डिक्रीज होके कितना आएगा, 6, 6 के बाद डिक्रीज होके कितना आएगा, 5, 5 के बाद डिक्रीज होके अब कितना आना चाहिए, 4, 4 के बाद डिक्रीज होके अब कितना लिखना है यहाँ पे, 3, ऐसे करके लिखना है आपको। तो आगे उन्होंने पूछा था बच्चों इसमें कि आपको ये बताना है ये जो पैटर्न वर्क कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो इसलिए हमने इसका आंसर दिया था कि हाँ हम इसका वर्किंग पैटर्न बता सकते हैं कि कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले इन सारे नंबर्स को आपको बताना है, ये जो है ना 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, इन नंबर्स को बताना है। तो पहले 1 लिखेंगे, 1 का तो 1 ही लिखेंगे। तो जैसे 1 2 है, 1 2 का मतलब जैसे यहाँ पे पीछे 2 है, ये वाला पीछे 2 है, 2 का मतलब पीछे से देखना है आपको, पीछे वाला यहाँ पे पहले लिखना है। अब जैसे 2 है तो 2 टाइम्स 1 1 लिख दो, ठीक है, मतलब 2 डंडे लगा दो, आप कह दो ऐसे, 1 1 भी बोल दो, डंडे बोल दो। अब ये 1 है, ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये वाला 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर 1 2 3, अब जैसे यहाँ पे 3 है, तो अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 बार आपको 1 1 लिखना है। फिर 2 है, पीछे से देखना है आपको, फिर 2 बार 1 1 लिखना है। फिर 1 है, फिर 1 लिखना है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो पहले 4 है, 4 टाइम्स आपको 1 1 लिखना है। फिर +3, फिर 3 बार आपको 1 1 लिखना है। फिर 2, फिर 2 बार 1 1 लिखना है। फिर 1 है तो 1 लिखना है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 है, पहले 5 बार आपको 1 1 1 लिखना है। फिर 4 है, 4 बार 1 1 लिखना है। फिर क्या है यहाँ पे, 3, फिर 3 बार देखो 1 1 लिखना है। फिर 2, 2 बार 1 1 लिखना है। फिर 1, फिर ऐसे लिखना है, ऐसे सारा लिखा हुआ है ये। अब आगे क्या करना है, आगे ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा आप मान लीजिए कि ये वाला उतारा है हमने, ये इस तरीके से, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का हमने जो है
पीछे से नोट कर लिया, ये भी सारा नोट कर लिया। देखो इस मतलब जो हमारा क्वेश्चन में था एसेटी, हमने ये सारा नोट कर लिया। अब यहाँ पर बताना है वर्किंग रूल कैसे बन के आया। अब जैसे देखो बच्चे यहाँ पे आपको कैसे नोट करना है, जैसे वन है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लगा रखे है ना, ब्रैकेट डाल रखी है उसको ध्यान से देखना है आपको। जैसे यहाँ पे वन है, वन का जो पीछे वो था नंबर ऑफ वन, जैसे वन के सामने यहाँ पे क्या है वन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन का ये वन लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 8 फिर प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आंसर 9 ही आएगा आपका। अब जैसे यहाँ पे 1 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, मैंने बोला है ना ब्रैकेट वाला देखना है, तो 1 2 है, तो 1 2 जब आप पीछे से देखते हो 1 2, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है 1 1 प्लस 1, तो आप इसके प्लेस पे ये नंबर उठा के वहाँ पे पुटअप कर दोगे। देखो ऐसे 1 2 की जगह 1 1 प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई 8 फिर +2 ऐसे। तो इस तरीके से अगला है 1 2 3। अब जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 का क्या इसमें फिल करेंगे, 1 2 3 का इसमें फिल करेंगे 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, जैसे ये पूरा रिजल्ट इसके प्लेस पे फिल करेंगे, यहाँ पर इसके प्लेस पे यहाँ पे फिल करेंगे फिर मल्टीप्लाई 8 फिर +3 ऐसे। तो ये जो बीच वाले जो आंसर हैं, ये आंसर का मतलब ये है कि जब आप इसका कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगला देखो 1 2 3 4 का रिजल्ट क्या है पीछे, 1 2 3 4 का रिजल्ट हमारा ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिल कर दो 1 2 3 4 का, यहाँ से लेके यहाँ तक फिल कर दिया, तभी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। फिर ये वाला मल्टीप्लाई 8, ये वाला मल्टीप्लाई 8 +4 +4 एज इट इज, देखो एज इट इज। ठीक है, इसी तरीके से आगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 का रिजल्ट पीछे से देखो इधर, 1 2 3 4 5 का रिजल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपको जो है इसके प्लेस पे फिल करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 के प्लेस पे यहाँ पे ये पूरा फिल करना है, फिर ये मल्टीप्लाई 8 देखो ये लिखा हुआ है, फिर +5 फिर ये लिखा हुआ है। और जब आप इसको सॉल्व करके देखते हो, इसके आंसर्स को मतलब सॉल्व करके देखते हो या इसको सॉल्व करके देखो, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है ये।